आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये वही जगह है जहाँ ज़हीरुद्दीन बाबर ने दौलत खान लोधी से हथियार डलवाए थे और महाराजा रणजीत सिंह के बाप महान सिंह ने यहाँ एक छोटा सा किला भी तामीर किया था। जी हाँ, ये है किला मलोट। तारीखदानों के मुताबिक मलोट राजधानी की बुनियाद जलजू कौम के जद अमजद राजा माल ने रखी और उसी ने यहाँ पर किला भी तामीर किया था। राजा माल 980 ईस्वी में हिंदुस्तान के शहर मित्रा से यहाँ आया। उस वक्त इसे राजगढ़, बाद में मलकोट और अब मलोट कहा जाता है। राजा माल राठौर, राजपूत और पांडवों के लाद में से थे। 1017 में सुल्तान महमूद गर्फी ने ग्रेजुअल के इलाका पर हमला किया। राजा माल को शिकस्त हुई और वो गिरफ्तार हो गया, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी के हुस्न सलूक से मुतासर होकर राजा माल ने अपने गले में पहने हुए मजहबी निशान जनात जंगी को उतार दिया और अपने पूरे कबीले समेत मुसलमान हो गए। राजा माल के 6 लड़कों में से राजा बैन और जोत की औलाद आज भी जिला चंदवान से। राजा बैन ने राजा माल के बाद इकतदार संभाला और राजा जोत ने मख्याला राजधानी की बुनियाद रखी। 1185 में काबुल के हाकिम मुइजुद्दीन ने यहाँ पर हमला किया। 1398 में तैमूर शाह ने, जबकि ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो मलोट के जंगजुओं ने उसका पूरा साथ दिया। जंगजुओं के इस तावन का ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी खुद नवेश्त तो उसके बाबरी में बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया। लगभग 1000 साल पुराने किला मलोट को हिंदू शाह के तर्ज पर तामीर किया गया। सुरपत्रों का इस्तेमाल और इसकी दीवारों पर नक्श निगार और मूर्तियाँ इसके संग के बुलंद तरीन मकाम पर होने की वजह से यहाँ हमा वक्त तेज हवाएं चलती रहती है। यहाँ एक चूने के पत्थर की बोतात है जिसकी वजह से यहाँ हमेशा दर्जा हरारत कम रहता है। राजा माल के किला मलोट के अंदर सबसे पहले मंदिर तामीर किया गया। रणजीत सिंह के बाप महान सिंह ने यहाँ पर किला भी तामीर करवाया। जामे पाकिस्तान से पहले इस किला की देखभाल बाबी जात के हिंदू ब्राह्मण करते थे, लेकिन अब इसका कोई पुरसान हाल है। अब इस तारीखी मकाम पर मकामी लोगों के मवेशी हैं। किला मलोट कलर कहर और चौसा शाह के दरमियान लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे M2 पर 1000 साल पुराना किला है जो कि आप खंडर की सूरत अख्तियार कर चुके। कोहिस्तान नमक में तराश हुए पत्थरों से तामीर किया गया किला मलोट इंसान की जफाकशी और मजबूत जिस्म की एक तस्वीर है जो बुलंद पहाड़ों पर तामीर किया गया, जिसकी बुलंदी सतह समंदर से तकरीबन 3000 फुट है। इसकी तामीर सन 980 ईस्वी में हुई। यहाँ 2 मंदिर भी तामीर किए गए हैं जो कश्मीरी और यूनानी तर्ज तामीर का आला नमूना है। इनका तलक कोहिस्तान नमक के हिंदू शाइया से है। जनरल किंगम के अंदाजे के मुताबिक कस्बा मलोट और किला मलोट अपने जमाना अरूज में 2 या 2.5 मील के घेरे में थे। जनरल एबर्ट इसका नाम शाहगढ़ या शाहीगढ़ बताता है, लेकिन जज्जुआ रवायात के मुताबिक इसका नाम राजगढ़ था। कलर कहर से चंद किलोमीटर के फासले पर चौसदन शाह कटास रोड पर जलेबी चौक से एक सड़क मलोट गांव की तरफ जाती है। जलेबी चौक से मलोट तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर है। कस्बा मलोट से किला मलोट तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है जो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर है। अभी गवर्नमेंट ने यहाँ तक आने के लिए पक्की सड़क भी बनवा दी है। मलोट गांव से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ के एन चोटी पर किला और मंदिर तामीर किए गए। मंदिर तादाद में 2 हैं। मगरब की जानिब मंदिर सही हालत में है, दूसरा मंदिर टूट फूट का शिकार हो गया, लेकिन इसके नक्श व निगार दूसरे मंदिर की निस्बत अभी भी ज़्यादा वाज़ेह है। सुर्ख पत्थर तराश कर चारों तरफ खूबसूरती पैदा की गई है। यह मंदिर तकरीबन 6-7 फुट बुलंद चबूतरे पर तामीर किए गए हैं। चारों कोनों पर पत्थरों को तराशकर मीनार तामीर किए गए हैं। दीवारों पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। मूर्तियों के नीचे छोटी मूर्तियाँ, शेर और दूसरे जानवरों की शक्लें बनाई गई हैं। ये फ़न संग तराशी का बेहतरीन नमूना है। पत्थरों की तराश कश्मीरी सलूब तामीर का नमूना है, जिसमें यूनानी फन तामीर की झलक भी दिखाई देती है। इसके बारे में जनरल किंगम का कहना है कि ये मंदिर अंदर की तरफ 18 मुरब्बा फीट था। मशरक की तरफ दरवाजे के करीब एक मेराबी शक्ल की इमारत थी। बाहर की तरफ चारों कोने सजाए गए थे। हर मीनारे पर 2 शक्ल नजर आती। चबूतरे के इर्द गिर्द नकूश के आसार मिलते हैं। इसका मजमूई तासर बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। अलबत्ता जमाने ने इसके कदीम हुस्न को मजरू कर दिया। इसका सलूब नहायत ही सादा और बहुत ही खूबसूरत रखा गया है। माशाल्लाह नवीद भाई, अब तो बारिश भी हो रही है। जब हम घर से आए थे तो मौसम कुछ और ही था। आप भी कह रहे थे कि धूप बन जाएगी तो बड़े ख़राब होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया तो बहुत ही अच्छा मौसम बन गया। तो कैसा लगा इस हिस्टोरिकल प्लेस पे आपको आके? मैं सच्ची बात आपको बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि ये इतनी प्यारी जगह हमारे जो है ना मतलब तकवाल में मौजूद है, हमारे अपनी सिटी में मौजूद है। तो मतलब आपने मुझे इसकी डिटेल बताई, इसकी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बताया, तो मैं आपके थ्रू इस जगह पे आया हूँ। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और मैं जब इन मंदिरों को देखता हूँ तो मुझे यूँ फील होता है कि वो कितने जफाकश और मेहनती लोग थे, और इन पत्थरों में आज से 500 साल पहले की जो है ना वो राज बसना। बाकी एक तो यहाँ पर जो मैंने देखा है ना, मुझे बहुत मायूसी भी हुई है, और मैं अपनी टूरिज़म डेवलपमेंट ऑफ पंजाब से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि उन्होंने जो काम किया है आई रियली अप्रिशिएट इट। एक तो उन्होंने बड़ी प्यारी यहाँ पे जो है ना सिटिंग प्लेस बनाई है, और दूसरा मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मंदिरों के ऊपर ये जो घास फूस है काइंडली उसको कटवा दें, थोड़ी इसकी रिपेयरिंग करवा दें, क्योंकि हमारी जो आने वाली अगली नस्लें हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी इस हिस्टोरिकल प्लेस को अपनी आँखों से देखें। हलील भाई ये देखो, इतनी प्यारी जगह है, हमारी हिस्टोरिकल प्लेस है, लेकिन देखे लोगों ने यहाँ कूड़ा करकट फेंका है। जब गवर्नमेंट ने डस्टबिन आपकी सेफ्टी के लिए लगाए हुए हैं तो आप इतनी तकलीफ नहीं कर सकते कि जो चीज़ आप खाएं, रैपर या कोल्ड ड्रिंक, वो उठा के डस्टबिन में फेंकें। जब मैं किसी का कचरा उठा के डस्टबिन में डाल सकता हूँ तो लोगों को भी चाहिए कि जो कुछ वो खाते हैं वो खुद बना के डाल सकते हैं। इसमें कोई बुराई या कोई शर्म वाली या कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ये हमारा पाकिस्तान है और इसे हमने खुद ही साफ रखना है। आई होप सो व्यूअर्स, आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो और नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।